ये जी, हम अतातुर्क एवेन्यू पे हैं। अचानक प्रोग्राम बना है हमारा ट्रेल 3 पर जाने का, तो चूंकि सुहानी बॉय वाले हमारे साथ हैं तो आज हम कोलैबोरेटिवली एक वीडियो बनाना जा रहे हैं, व्लॉग होगा, उम्मीद है पसंद आएगा। तो हम अभी मार्गला हिल्स की तरफ चल निकले हैं। रास्ते में एक मशहूर पार्क है ये वाला, हॉट स्पॉट, इसमें लोग बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करते हैं और मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी इधर बहुत ज़्यादा होती है। इस वक्त मौसम थोड़ा सा कदरे गर्म है लेकिन बर्दाश्त के काबिल है। आगे जाके हमें ट्रेल पे इसका सही अंदाज़ा होगा कि मौसम हमारे साथ क्या करता है। अभी हम इस वक्त जनाब पार्किंग में आ चुके हैं। बहुत बुरा हाल हुआ है, अभी हाफ किलोमीटर हुआ है और हमारी बस हो गई। उकरामा भी मैं सोच रहा था ये जो ऊपर से आ रहे हैं इन्हीं से पूछ लेते हैं ऊपर का नज़ारा कैसा है। नहीं बेटा अब चलो ऊपर टॉप पे चलते हैं। अल्लाह जी, ये अभी फुल हाइट पे नहीं है हम, और ये है इस्लामाबाद का व्यू। क्या ही जबरदस्त किस्म के फ्लावर नजर आ रहे हैं। ये पीछे हमारे बिल्कुल फायर लाइन ट्रेल है, ये जोहेब उसमें गालबन आड़े आ रहा है, आप देख रहे हैं। इस पर मैं तकरीबन ये समझे मेरे लिए K2 है, और ये मैं K2 दो तीन दफ़ा सर कर चुका हूँ और है बहुत मुश्किल काम। लास्ट टाइम मैं भी अपने एक फ्रेंड के साथ आया था तो हमने गलती ये की कि स्टार्ट में ही हमने रनिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से हम काफ़ी थक गए और हम फिर वो उधर आधे में से ही वापस आ गए, हमने ये पूरी ट्रायल नहीं की। ये बहुत ही जान जोखों का काम है, आम नॉर्मल रूटीन में ये बंदा कोई इसको मुश्किल में ही उधर जा पाता है टॉप पे। इस ट्रायल की सबसे खास बात कि ये ट्रायल बहुत थका देती है। इस्लामाबाद की सबसे मुश्किल ट्रायल इसे कहा जाता है। ये बहुत सी हालत देखी जरा, मीडिया माइंड एंड टेक्नोलॉजी एंड सुहानी वॉइस विल शो यू ऑल द ट्रेल ऑफ इस्लामाबाद। ये ट्रेल बहुत ही मुश्किल है, ये मैंने शॉर्टकट लिया है, शॉर्टकट उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आप जब भी ट्रेल पे आएँ तो अपने साथ ये सामान जो है ना, कम अज़ कम ये पानी की बोतल लाजमी ले कर आए, नहीं तो इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अभी मुझे पानी पीना पड़ेगा। ओ भाई मुझे भी पानी दे दें जी। हमारे कैमरा मैन एंटोनियो, उन्हें भी प्यास लगी। वो मैं सोच रहा था लगता है हमें वापस जाना चाहिए। नहीं बेटा अब तो ये टॉप पे लेके जाऊंगा, चल चल चल। राम साहब जी, सोच रहा हूँ आप ड्रोन लेना पड़ेगा। हाँ ड्रोन जो है ना जी, व्लॉग की जान तो ड्रोन ही है, जैसे कि आजकल सख्त लौंडे जो है ना वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही बात है। और ये जितने भी लौंडे हैं वो बाकी सख्त जान है, हम सख्त लौंडे नहीं है भाई।
वैसे ये ड्रोन कितने तक आएगा? ये कोई हमारा सब्सक्राइबर ही भेजेगा, हम नहीं ले सकते। तेरा मैं इलाज करूंगा इंदा, तू मुझे घर लेके आया था। राम साहब मैं कहता हूँ सोच ले। अच्छा तो जिद करता है ना, फिर मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ चले आए चलते हैं। अभी क्या हुआ, थक गए? और थक गए, आप ही आके बैठ जाए सोफे पे। हाँ ये सही सोफा है भाई, देखें ये क्लास पत्थर का नुकीला सोफा। बच्चे की बात होगी और सही पूछे ना, मेरी बात हो गई, हम दोनों की हो गई है। लेकिन आपको हम टॉप रो दिखाएंगे, आप टेंशन नहीं लेने। कैसा लग रहा है करामत भाई? मौत दिखाई दे रही है। ये देखें जी, ये सुहानी भाईस की बस होती हुई नजर आ रही है आपको। भाई ये सारी मीडिया माइंड हो रही है, है? भाई हम कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहे, सच पूछे तो कितना मजा आ रहा है। किधर आके पता चला, जिंदगी की जगह चौंक से निकल के जब हम आते हैं ये लिए हमने मेहनत बहुत ज़बरदस्त की है। ये सुहानी भाई वाले, ये तकरीबन हमने एक घंटे में ये ट्रायल कम्प्लीट की है, एक घंटा हमने लगाया। और हमारे एंटोनियो कैमरामैन के बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा। हमें ट्रायल के ऊपर ही मिल गए नवीद भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे कैमरामैन एंटोनियो भाई, नवीद भाई कैसे हैं, ये नज़र आ रहे हैं। नवीद भाई प्लीज स्माइल, कोई मैसेज? बहुत अच्छा लगा सर, मैं यहाँ पर कैमरे का आप एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं और रामो साहब हम थक गए, लेकिन ये भाई है मैं कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त, फिजिकली बहुत फिट है, कोई थकावट इन्हें नहीं हुई, ना इनका सांस फूला, और ये सबसे आगे थे पूरे ट्रायल में। और हमारे गाइड ये हैं, और हमारे गाइड भी यही है। माशाल्लाह आप भी आइए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए, और आज ये यहाँ स्पेशली बना हुआ है एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज कीजिए ज़िंदगी को। बस एक दो, नीचे हो ना थोड़ा नीचे, तीन और यस वन।
फंस गया। ट्राई करें, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, कामयाब हो गए। नवीद भाई माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। ये चेक करें, दर्जन का रिकॉर्ड है तोड़ने। नहीं तुम्हारे 24 होंगे भाई। नहीं हाँ सब आप मुझसे फिट हैं इसका मतलब। ओह स्लिप हो गए, ये पकड़े। ग्राम साहब मैं भी आपकी तरह चढ़ूंगा। सही किया, सही किया। मस्जिद इधर आप नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे कि आज आपने देखा हम ट्राइब ट्रिप पर आए थे, हमने हाइक की। अगर आपने इधर आना है तो अपना बंदोबस्त करके आएगा, क्योंकि इस हिल पे नानी याद आ जाती है। पानी ज़रूर लाना अपने साथ, मीडिया माइंड के और साथ ही सुहानी भाई को शोर चाय की। जैसे कि आप देख रहे हैं आज का एडवेंचर ये कंप्लीट कर दिया। Back to home. Oh यार shit. वैसे इसकी वो रोशनी ठीक होती है, लेकिन तू ही बैठ जा भाई, मैंने कल ने बैठाता जैसे आगे। यहाँ आप पीछे देख रहे हैं ठीक ठाक अंधेरा नजर आ रहा है। अभी हम इस वक्त पहुँच चुके हैं, तकरीबन कोई 2 किलोमीटर अभी दूर हैं। आप जब भी हैं तो टाइम पे आएँ, ताकि इस तरह की सिचुएशन ना हो। हम तो इस वक्त तकरीबन 3-4 लोग हैं चल रहा है, लेकिन अगर आप अकेले हैं ये तो ज़रा एहतियात से रखें। लाइट और स्टिक भी आप साथ रखें, स्टिक आपके हाथ में हो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इससे पहले की ताइब नसो भाई, बस हो गई है, व्लॉगिंग ख़त्म करो, अब रात है, अंधेरा है। वापसी पर जब हम उतर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ फॉरनर जो हैं वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके पास लाइट बहुत कम थी और उनके साथ एक ओल्ड लेडी भी थी जिन्हें नज़र बहुत कम आ रहा था। फिर हमने उनकी हेल्प की और हमने उन्हें लाइट प्रोवाइड की और उन्हें हमने सेफली रोड तक पहुंचा दिया। इस दौरान हमने उनके साथ जब गपशप की तो उन्होंने बताया कि वो सारे ऑस्ट्रेलियन थे। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि क्रिकेट में हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हमने ऑस्ट्रेलियन की मदद की। किसी भूले भटके को रास्ता दिखाना सदका है। हमने सफ़र का आगाज़ सदके से तो नहीं शुरू किया, लेकिन इख्तिताम हमने सदका देकर ही किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।